नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को लेकर के NCERT के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको हम निष्ठा 3.0 FLN के नाम से जानते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों की क्षमता संवर्धन करना, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर शिक्षकों की क्षमता संवर्धन करना। पिछले माह आप लोगों ने दो कोर्स किए हुए हैं, कोर्स एक और कोर्स दो। कोर्स एक ये पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी थी, जिसमें विभिन्न स्तरों पर क्या क्या भूमिकाएं होनी थी इनके बारे में जानकारी था। राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिकाएं थी, राज्य स्तर की भूमिकाएं क्या थी, जिला स्तर की भूमिकाएं, विकासखंड स्तर की भूमिकाएं, समुदाय की भूमिकाएं, शिक्षक की भूमिकाएं, इन सारी भूमिकाओं पर हम लोगों ने चर्चा किया और इससे संबंधित कोर्स आप लोगों ने किया। कोर्स दो, ये जो कोर्स दो था, दक्षता आधारित शिक्षण की ओर बढ़ना, कोर्स दो पर आप लोगों ने जानकारी प्राप्त किया, जिसमें दक्षता क्या है, लर्निंग आउटकम क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसको क्यों प्राप्त करना चाहिए, इसको प्राप्त करने से बच्चे को क्या क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, उनके उपलब्धि स्तर कैसे बढ़ेंगे, इन बिंदुओं पर पिछले माह हम लोगों ने बात किया और बहुत सारे शिक्षक साथियों ने ये कोर्स किए हैं और बहुत सारे शिक्षक साथियों ने ये कोर्स नहीं कर पाए हैं। आज हम इस माह में पुनः दो कोर्स लेकर के आए हैं, कोर्स तीन और कोर्स चार। कोर्स तीन है बच्चों को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं इनको समझना, बच्चों को समझे और ये बच्चे कैसे सीखते हैं इसको समझे। यदि हम समझ जाते हैं तो शिक्षकों की क्या भूमिकाएं होंगी, इन सारे बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने अभी चर्चा करने वाले हैं। और ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, कोर्स एक और कोर्स दो पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी बैठे हैं, जो कोर्स तीन के बारे में बताएंगे। हमारे शिक्षक साथी डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव को भली भांति जानते ही हैं। और कोर्स दो पर चर्चा करेंगे स्वाति दास मैडम है, जो डाइट से है, जो शिक्षा पर काम करती है और गणित विषय पर काम करती है। इन कोर्स को करने के लिए जो मटेरियल रहता है, दिए हुए रहता है, उसमें से क्या क्या रहते हैं, ये मटेरियल कोर्स एक और कोर्स दो किया है तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के मटेरियल, किस तरह के कंटेंट हमारे इस कोर्स को करने के लिए दिए हुए रहते हैं। ठीक उसी प्रकार के मटेरियल कंटेंट यहाँ भी दिए हुए हैं कोर्स तीन और कोर्स चार में। और जब कोर्स तीन को सफलतापूर्वक कर लेते हैं तब आपको मालूम है कि एक सर्टिफिकेट मिलता है जो ऑनलाइन आपको प्राप्त होता है, जिसको आप डाउनलोड करते हैं कि कोर्स तीन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ये इस तरह से चलता है। कोर्स चार है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय और पालकों की, अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो कोर्स तीन बच्चों को समझना और कोर्स चार FLN में पालक की और समुदाय की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो मैं विलंब न करते हुए एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और कोर्स तीन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर से आग्रह करता हूं कि वो कोर्स तीन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद सौ जी। और दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आपके साथ चर्चा करने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। जिस तरह साहू जी ने आपके सामने कोर्स तीन के बारे में बात की, कोर्स तीन संबंधित है बच्चों को समझने, उनके सीखने के तरीकों को समझने और उसके अनुसार अपनी कक्षा की व्यवस्था बनाने के संबंध में। तो इस पूरी प्रक्रिया पर हम क्रमशः बात करेंगे। जो चीज़ें आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा वो केवल परिचयात्मक स्वरूप होगा। इस कोर्स के बारे में जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसको ध्यानपूर्वक आपको कई बार पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद जो समझ आपके अंदर विकसित होगी तो आप पाएंगे कि आपने बहुत सारी नई बातें जानी हैं और ये जो बातें हैं
वो कक्षा में आपके काम करने के तरीके को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी, और जब कक्षा में काम करने के आपके तरीके का विकास होगा तो इसका परिणाम निश्चित रूप से बच्चों के सीखने पर होगा। तो हम क्रमशः एक एक बात पर विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस कोर्स की जो मोटी मोटी रूपरेखा है वो आपके सामने है। पहली बात है बच्चों को समझना और उनके सीखने के तरीकों को समझने का महत्व क्या है। पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हम बच्चों को समझते हैं, बच्चों को समझने का अर्थ क्या है ये भी हम समझ पाएंगे, और उनके सीखने के तरीकों को हम उनकी सीखने की क्षमताओं को समझ पाएंगे तो इससे हमारा काम कैसे परिवर्तित होता है इस बात को हम समझेंगे, ये उसके महत्व को प्रतिपादित करता है। दूसरी बात है बच्चों को और उनके सीखने के तरीकों को जानना। हम पहले उनके महत्व को समझेंगे और महत्व को समझने के बाद उन तरीकों को पहचानने की कोशिश करेंगे कि सीखने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं और किस बच्चे के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा उपयुक्त होगा, इसका चुनाव हम कैसे करेंगे, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है सीखने की जरूरतों को पहचानने के तरीके। हर बच्चे की अपनी एक आवश्यकता होती है जो दूसरे बच्चे से अलग होती है, तो उस बच्चे की सीखने की जरूरत क्या है इस बात को हम पहचानेंगे, तीसरा बिंदु है। फिर जब इन चीज़ों की हमारे अंदर समझ बनेगी तब हम कोशिश करेंगे कि कक्षा में जो सीखने का परिवेश है, सीखने का माहौल या उसकी जो परिस्थिति है वो कैसे निर्मित की जा सकती है, वो कौन से तरीके हैं जिसको हम आसानी से अपनी कक्षाओं में लागू करें अपनाएं तो वो सीखने की अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं बच्चों के लिए। फिर अंत में जो पांचवा बिंदु है वो है बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के तरीके। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से हम बच्चे के सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, तो ये चार पांच मुख्य बातें हैं जिन पर हम अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे। तो क्रमशः हम एक एक बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखें बच्चों को और उनके सीखने के तरीकों को समझने का महत्व क्या है, ये पहला बिंदु है। तो इसमें जो खास खास बातें हैं उस आप देख रहे हैं। पहला बिंदु है प्रत्येक बच्चा अलग होता है। आप अपने रोज के अनुभव से इस बात को समझते होंगे एक ही क्लास में जो आपके बच्चे हैं वो एक दूसरे से निश्चित रूप से अलग होते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग परिस्थितियों से आता है, उसके सीखने की समझने की व्यवहार करने की उसके आसपास के वातावरण की सारी चीज़ें दूसरे बच्चे से किसी न किसी तरह अलग होती हैं। एक ही परिवार में आप दो बच्चों को देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों बच्चे एक दूसरे से कई मामलों में बहुत अलग होते हैं। तो ये बात पहले हमको समझनी है कि हमारी कक्षा का प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ विशेषता लिए हुए दूसरे बच्चे से अलग है। इस बात को समझने का अर्थ ये है कि हमारी कक्षा में जो हम तरीके अपनाते हैं वो एक खास तरीके से आगे बढ़ता है, लेकिन वो तरीका हर बच्चे के लिए एक जैसे कारगर होगा ऐसा संभव नहीं है। तो उसका आधार यही है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से किसी न किसी मामले में अलग होता है, उसके सीखने की गति अलग हो सकती है, उसके सीखने का तरीका अलग हो सकता है, उसके रुचि के क्षेत्र अलग हो सकते हैं और उसकी क्षमताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिसको हमको स्वीकार करना होगा, और ये पहली चीज़ है जिसे हम समझें तो हमारे कक्षा में काम करने का तरीका जो है वो बदलेगा। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे का ये अलग अलग होना है वो क्यों है, इसको समझते हैं दूसरे बिंदु से। अपने दिन प्रतिदिन के पिछले अनुभव होते हैं जिन्हें वह विभिन्न प्रकार से अर्जित करता है, जैसे साथियों के साथ परस्पर संवाद करके और आसपास के वातावरण के संपर्क से। ये बातें मैंने आपसे पहले कही हैं कि हर बच्चे का अपना एक वृत्त होता है जहाँ पर वो लोगों से मिलता जुलता है, उसके साथी होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उसके आसपास का वातावरण होता है, उन तमाम चीज़ों से बच्चा अपने लिए कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करता है। यह ज्ञान बहुत अनुभव करके अर्जित करता है, बोल बातचीत करके अर्जित करता है, देख कर विश्लेषण करके अर्जित करता है। तीसरा बिंदु है जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी विभिन्न क्षमताएं भी विकसित होती हैं, जो उनके परस्पर बात करने के तरीके, जानकारी प्राप्त करने और परिस्थितियों का विश्लेषण करने, निर्णय लेने, जिम्मेदारियां उठाने और परिस्थिति को समझने और उसके अनुकूल काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है। ये बातें बहुत स्पष्ट हैं अपने आप में। चौथे बिंदु पर ध्यान दें, परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे का सीखने का तरीका और कक्षा से विभिन्न परिस्थितियों में सीखने की गति निर्धारित होती है।
इसके पहले की जिस बिंदु को हमने आपके सामने रखा उसमें वो सारे कारण बताए गए हैं कि जिनकी वजह से वो अलग अलग प्रकार की क्षमताएं उसके अंदर विकसित होती हैं और इन क्षमताओं के अलग अलग विकास के कारण उसके सीखने का तरीका और उसे सीखने की गति निर्धारित होती है। कुछ खास बातें हैं जो बच्चे के सीखने में मदद कर सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहली बात है बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के हों। निश्चित रूप से बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते ही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर जिज्ञासु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं तो उसका आशय ये है कि जिस चीज़ को हम सिखाना चाहते हैं तो पहले उसके अंदर जिज्ञासा सीखने की हम पैदा करें, तो वो जब सीखने की ललक सीखने की जिज्ञासा उसके अंदर होगी तो काम करने के लिए वो तैयार होगा, सीखने के लिए तैयार हो पाएगा। दूसरी बात जो बच्चे में खास गुण के रूप में देखी जाती है वो है काम में पहल करें, और ये जो पहल करना है वो उसके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जैसे आप इसे अपने संदर्भ में समझें, एक जिम्मेदारी आपके समूह को दी जा रही है और यदि आपके अंदर उस काम को करने का आत्मविश्वास है तो आप कहेंगे हाँ इस काम को मैं करना चाहूँगा, इस काम को करने में आप पहल करेंगे। तो ये तीन जो खास गुण हैं, ये बच्चे की प्रवृत्ति में जिज्ञासा हो, उसमें आत्मविश्वास हो और जिसकी वजह से वो काम में पहल करने की कोशिश करे। आगे कुछ और गुण हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के हों, खोजी प्रवृत्ति के हों, नई खोज करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। एक इच्छुक और जिज्ञासु बच्चा प्रश्न पूछकर नई जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये भी बात आपके जीवन में, आपके अनुभव में शामिल होगी। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब भी किसी नई चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में बहुत तरह के सवाल हमसे, आपसे या अपने बड़ों से करना चाहते हैं और उस बातचीत के बाद उन्हें जानना चाहते हैं कि वो जो चीज़ देख रहा है, जो उसके अनुभव में जो चीज़ आ रही है उसका अर्थ क्या है, उसका औचित्य क्या है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन सब चीज़ों को समझने के बाद एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका क्या हो सकती है, तो इसको हम गौर से देखें। इसमें 5-6 बिंदु हैं। पहला बिंदु है, शिक्षकों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता और काम करने का तरीका अलग होता है। ये बात जब हमने कहा था कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है, उससे जुड़ी हुई बात है। अलग होने का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता, उसने जो ज्ञान अर्जित कर रखा है, जो उसके जीवन के अनुभव हैं स्कूल में आने के पहले या कक्षा में आने के पहले के, वो उसकी संज्ञानात्मक क्षमता के बारे में बात करती है और उसे काम करने का तरीका। ये हर एक व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल या व्यक्तिगत तरीका होता है कि जिस तरह से वो काम करता है। ये दो चीज़ें खास तौर पर उसमें अलग होती हैं, तो ये बात हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो इससे हमारे काम करने का तरीका बदलता है। दूसरी बात है, यही कारण है कि उनकी सोच और व्यवहार में भिन्नता होती है। जिन दो बातों की हमने बात कही कि संज्ञानात्मक क्षमता और उससे काम करने का तरीका एक सबका अलग होता है, इसका प्रभाव उनकी सोच पर और उसके व्यवहार पर पड़ता है और इसी कारण उनमें भिन्नता भी होती है, क्योंकि वे समस्याओं और परिस्थितियों का आकलन व विश्लेषण अलग प्रकार से करते हैं और उसी के अनुसार निर्णय भी लेते हैं। तीसरा बिंदु है, शिक्षक समान परिस्थितियों में भी प्रत्येक बच्चे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक जैसी परिस्थिति में सारे बच्चे एक जैसा व्यवहार नहीं करते, तो कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे कारण यही होता है कि बच्चे की जो पृष्ठभूमि है, उसकी सोच, उसके निर्णय लेने की क्षमताएं और तमाम सारी बातें जो ऊपर के बिंदु हमने कही हैं, उन चीज़ों के कारण अलग अलग बच्चे एक जैसी परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसके बाद का जो बिंदु है, जो इन तीनों को से उपजे प्रभाव को समेटता है शिक्षक के लिए, शिक्षक सीखने सिखाने की योजना और निर्देशों को प्रक्रिया उपयुक्त बनाएं ताकि बच्चों में आवश्यक योग्यताएं विकसित हो सकें। आप देखते हैं कि जब आप काम करना शुरू कर रहे हैं तब बच्चों में जो विविधताएं हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उनमें कुछ एक सामंजस्य या एकरूपता लाने की आवश्यकता होती है। तो जहां पर जिस प्रकार की कमी दिखाई पड़ रही है उसे विकसित करने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं। शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिक्षण अधिगम एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया होती है। इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है कि जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया होती है, कक्षा में जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है, शिक्षा के रूप में हम बच्चों के सामने कुछ ऐसी स्थितियां रखते हैं कि बच्चा सीखे, तो उन सीखने की परिस्थितियों में जो खास बात होती है वो ये है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है, सहयोगपूर्ण प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया होती है, जहाँ बच्चे और विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ
या वस्तुएं और आपस में बच्चों के बीच भी परस्पर संवाद का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ जो बातचीत की बात हो रही है, बातचीत किसके किसके बीच होनी चाहिए? बातचीत के लिए एक शिक्षक और बच्चे के बीच की बातचीत, बच्चे और उसके साथियों के बीच की आपस की बातचीत, और जो वस्तुएं या संसाधन उपलब्ध हैं उनको लेकर के भी वो इन दोनों के साथ बातचीत कर सकता है। तो ये जो बातचीत है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल या उपकरण के रूप में हमारे सामने आएगा। आगे भी आप देखेंगे बार बार इस चीज़ की बात आएगी कि बच्चों को कक्षा में सार्थक बातचीत करने के बहुत अधिक मौके मिलने चाहिए। अगला बिंदु है, शिक्षक को बच्चों को एक दूसरे से सीखने, प्रश्न पूछने, जवाब देने, छानबीन करने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बातें मैंने अभी आपसे पहले कही कि जब संवाद की स्थिति बनती है तो संवाद की स्थिति में बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए दूसरे बच्चों से, अपने साथियों से, शिक्षकों से पूछने के मौके हों, जो उसके अपने अनुभव हैं उसे बताने के मौके हों, तो ये सारे के सारे मौके एक शिक्षक के रूप में कक्षा में उत्पन्न करने के मौके हमें जरूर बनाने चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बच्चों को और उनके सीखने के तरीकों को जानना। अभी तक जो बातचीत है वो उसके महत्व को प्रतिपादित करता है, अब ये जो बिंदु है वो उन तरीकों के बारे में बात करता है जो बच्चों के सीखने को प्रभावित करती हैं, उसे बेहतर बनाती हैं। इसमें जो पहली ही बात है वो ये है, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तो बेहतर सीखते हैं। वैसे तो आप जानते हैं बच्चे के सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बच्चे देख कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं, और एक तरीका है स्वयं करके सीखना। तो आपके अनुभव में भी ये बात आई होगी, जब वो खुद से करके सीखते हैं, खुद अनुभव करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और अपने अनुभवों के साथ चीज़ों को जोड़ते हैं, उसमें नया ज्ञान शामिल करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो सीखना होता है वो सबसे बेहतर सीखना होता है। अनुभव से चीज़ें बनाकर, प्रयोग द्वारा, पढ़कर, चर्चा करके, पूछकर, सुनकर, समझकर, सोचकर या चिंतन करके और अपने आप को लेखन या हाव भाव द्वारा व्यक्त करके, जो अलग अलग तरीके हों, उन सभी तरीकों में बात की जा सकती है कि यदि हम इन सभी तरीकों में बच्चे को खुद करने के अधिक से अधिक मौके बना सकें तो यहाँ जो सीखना होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। अगला बिंदु है सीखने के रोचक अनुभव। जो सीखने का अनुभव है वो उसके लिए मज़ेदार होना चाहिए, और आप जानते हैं कि मज़ेदार बच्चों के लिए सबसे मज़े की चीज़ होती है। आप जरूर कहेंगे कि खेलना बच्चों को बहुत पसंद है, तो क्या सीखने के तरीकों को हम खेलने के साथ जोड़ सकते हैं? क्या खेलने को सीखने के तरीकों में हम शामिल कर सकते हैं? तो यदि ऐसा कर सकते हैं तो वो उसके सीखने के अनुभवों को बहुत रोचक बनाता है और बार बार इसको करना चाहेगा, और अगर इस तरीके का इस्तेमाल करता है तो वो उसका सीखना ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है। इसमें आप देखेंगे आगे कुछ खास बातें लिखी गई हैं। काल्पनिक खेलों के द्वारा बच्चों में सोचने की क्षमता विकसित होती है, उनका शब्द भंडार समृद्ध होता है, कल्पना शक्ति विकसित होती है और सुनना बोलना जैसे कौशलों का विकास होता है। अगला बिंदु है प्रतिक्रियात्मक और सहायक पारस्परिक संबंध। ये जो बात है वो उस परिवेश के बारे में बात करती है जहाँ पर बच्चा रहता है। वह अपने अभिभावकों के साथ होता है, अपने परिवार के साथ होता है, कभी अपने शिक्षक के साथ होता है और कभी समुदाय के साथ होता है। इन सारी जगहों पर जो परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं उन सभी जगहों पर वो सीखता है। यदि इन परिस्थितियों में हम उसे सपोर्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो उसके अंदर आशावादिता पैदा होती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वो मिलनसार भी बनते हैं। तो इन सारे गुणों को विकसित करने के लिए ये जो समूह है जिनके बीच वो काम कर रहा है, जिसमें अभिभावक है, परिवार है, शिक्षक हैं और समुदाय हैं, यदि इनका सहयोगात्मक स्वरूप है, यदि बच्चे को प्रश्न पूछने को ये उत्साहित करते हैं, तो ये बच्चे के अंदर ये सारे गुण, जहाँ जो भी हम कह रहे हैं कि बच्चों में आशावादिता पैदा होती है, वे जिज्ञासु बनते हैं और मिलनसार बनते हैं, ये पैदा होते हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिक्रियात्मक और सहायक पारस्परिक संबंध, ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो सीखने को प्रभावित करती है। तीसरी बात है अनुभवात्मक सीखने के लिए सृजनात्मक परिवेश। जो सृजनात्मक क्षमता है बच्चे के अंदर होती है और इसे विकसित करने के लिए हमें वैसी परिस्थितियां बनानी पड़ती है जब बच्चों को सक्रिय और प्रत्यक्ष रूप से अपने आसपास के परिवेश को जानने का अवसर मिलता है, तो शिक्षक और साथियों की मदद से उसकी जानकारी भी बढ़ती है। आसपास जो
आसपास के परिवेश के बारे में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सीखने के परिवेश के एक प्रमुख घटक परस्पर संवाद भी है। देखिए यहाँ पर भी परस्पर संवाद की बात आ रही है। इसलिए एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं, बच्चों को किसी आप आसपास के बगीचे में लेके जाए या आपके गांव में जो कलाकार हैं, जो कुम्हार हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, उनके काम को करने के लिए देखने के लिए लेके जाएं, तो यहाँ पर जो सीखना होगा वो देखकर सीखना होगा। और इन चीज़ों के लिए आप देखेंगे कि उनको बातचीत करने के मौके मिले, कुछ नई चीज़ें सृजन करने के मौके मिले, तो ये सीखना भी बहुत कारगर होता है। अगला बिंदु है, बच्चे समग्र रूप में सीखते हैं। सीखना दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम समग्र रूप में सीखें और दूसरा टुकड़े टुकड़े में सीखें। तो बहुत सारे अनुभव या बहुत सारी स्टडीज़ या अध्ययन जो हैं वो कहते हैं कि बच्चे जब सीखते हैं तब समग्र रूप से सीखते हैं, यानी वो विभिन्न सीखने के विभिन्न पहलुओं या जिस चीज़ को सीखना है उसके विभिन्न पहलुओं को एक साथ ग्रहण करते हैं, एक साथ सीखते हैं। इसके बाद का बिंदु है, बच्चे अपने इंद्रियों से सीखते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जिसमें जो संवेदना होती है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, अपने स्पर्श के द्वारा चीज़ें जान समझ सकते हैं, तो ये सभी जो इंद्रियां हैं वो बच्चे को सीखने में मदद करती हैं। इनकी मदद से बच्चा सीखता है। इसमें देखिए जो बातें लिखी हुई हैं, इस प्रक्रिया में उन्हें नए नए विचारों का सृजन करने, परीक्षण करने, चयन करने, बाधाओं का हल ढूंढने, सहानुभूति विकसित करने, स्वयं समस्या का समाधान करने में सक्षमता हासिल होती है, और इस प्रकार वे आत्मनिर्भर, आशावादी और अच्छा इंसान बनने के योग्य होते हैं। बच्चे कला द्वारा सीखते हैं, ये सीखने का अलग क्षेत्र है। आपके अनुभव में बात होगी कि बच्चों को जब हम कुछ ऐसी कला के कुछ ऐसे क्षेत्रों में अवसर देते हैं जहाँ पर वो मौके मिलते हैं कि वो खुद एक कला की कुछ कृतियाँ बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, चित्र बनाता है, या संगीत के उपकरणों के साथ खेलता है, तो उसके माध्यम से भी वो बहुत रुचिपूर्ण ढंग से सीखता है, और ये सीखना उसके अंदर की क्षमता को काफी विकसित करता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सीखने की जरूरतों को पहचानने के तरीके। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आपने अभी दो चीज़ों पर ध्यान आकर्षित किया कि बच्चे को समझना या उसके सीखने के तरीकों को समझने की आवश्यकता क्या है, क्यों उसका महत्व क्या है, और वो तरीके कौन कौन से हैं, इसके कुछ बिंदु आपने देखे। अब ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे सीखने का है, वो ये है कि सीखने की जो ज़रूरतें हैं उसको हम कैसे पहचानें, बच्चे की क्या ज़रूरत है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो जैसे पहला ही बिंदु इसमें आप देख रहे हैं, बच्चों की रुचि जानना। आप समझते हैं कि हर बच्चे की अलग अलग रुचि होती है, यदि हम उसकी रुचि को पहचान लें तो उसके अनुकूल परिस्थितियां पैदा करके हम बच्चे के सीखने को प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों की रुचि के बारे में इसमें लिखता है, इस बारे में शोधों से पता चलता है कि बच्चों की रुचि के स्तर का उनकी अभिप्रेरणा, उपलब्धियों, उत्पादकता और दृढ़ता से आपसी संबंध है। दो प्रकार की रुचियाँ हो सकती हैं, बच्चों में कुछ रुचियाँ पहले से मौजूद हैं, ये हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ नई परिस्थितियाँ उसके सामने रखी जाएं, कुछ नई चीज़ें उनके सामने रखी जाएं, तो उसकी रुचि वहाँ पर है कि नहीं, ये भी देखी, ये बातें देखी जा सकती हैं। तो जो संभावित रुचि है वो एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एरिया है जो हो सकता है बच्चे के जीवन में पहले नहीं आया हो, लेकिन शाला में आने के बाद, हमारे पास आने के बाद यदि वो परिस्थितियाँ हम उसके सामने पैदा करें तो हम उसकी रुचि को वहाँ पर भी देख सकते हैं। दूसरी बात है उसकी पसंद जानना। आज ज्ञान को बहुमुखी माना जाता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धिमत्ता तीन तरह की होती है, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। इन तीनों को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है ऐसे बच्चे जो जानकारियों को नियोजित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसे किसी कार्य के कारण और उसके प्रभाव का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा। तार्किक ढंग से जो विश्लेषण कर सकते हैं, किसी चीज़ पर टिप्पणी लिख सकते हैं,
और उसके परिणाम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो जिन बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि की तीव्रता अधिक होगी, उसके बुद्धि के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि उसकी बुद्धि समीक्षात्मक बुद्धि है। दूसरा है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता का संबंध प्रासंगिकता से है। तीसरा है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों से बहुत अलग होते हैं, वे अलग अलग तरीकों से सोचते हैं और नए नए तरीकों से काम करने की कोशिश करते हैं। तो तीन अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता के बारे में बात की गई है। एक खास बात जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, ये हर बच्चे में इन तीनों प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। कहीं पर किसी की प्रधानता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में केवल समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता होगी या किसी में केवल सृजनात्मक बुद्धिमत्ता होगी। ये सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता हर बच्चे में विद्यमान होती है। हमको देखना है कि बच्चा किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का ज़्यादा उपयोग करता है, और इसको समझने के बाद हम उसके लिए उस तरह के अवसर जुटा सकते हैं। तीसरा बिंदु है सीखने की शैली, बच्चे की सीखने की जो स्टाइल है उसको समझना। बच्चे की प्राथमिकताएं तीन तरह की हो सकती हैं। पहली साधन प्राथमिकताएं, दूसरी परिवेश संबंधी प्राथमिकताएं, तीसरी है समूहीकरण प्राथमिकताएं। इसको हम समझे, साधन प्राथमिकताएं, बहुत सारे बच्चे किसी चीज को देखकर उलट पलट कर छू कर या प्रत्यक्ष रूप में देख कर सीखते हैं, स्पर्श द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी जो प्राथमिकताएं हैं वो कहती है कि जो चीज़ें हमारे सामने अगर मौजूद हैं, उन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब हम उसके साथ सीख ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। तो ये एक प्रकार की शैली हुई। दूसरी है परिवेश संबंधी प्राथमिकताएं, ये बात हमें समझाने की कोशिश करती है कि बच्चे अलग अलग परिवेश में सीखना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे बच्चे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, कोई बच्चा सुबह बहुत अच्छे से काम कर सकता है, कोई बच्चा दोपहर बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक मुझे बात याद आ रही है, एक बार एक ट्रेन में, बहुत काफ़ी पहले की बात है, मेरे एक दोस्त मिले, बहुत समय के बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ परीक्षा देने आया था। तो मैं पूछा कहाँ रुके थे, तो उन्होंने बताया मैं होटल में रुका था। तो मेरी नज़र पड़े उनके साथ एक टेबल फैन रखा हुआ था काफ़ी पुराना। तो मैंने पूछा कि आप होटल पर रुके थे तो इस पंखे की ज़रूरत क्या थी, क्या इसको बनवाने के लिए लेकर आए थे। तो उनने हंस कर कहा, नहीं भाई साहब, ये जो पंखा है इसमें बहुत गड़गड़ 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 की आवाज़ आती है, और बचपन से मैं इस पंखे के सामने बैठकर पढ़ता आया हूँ, तो जब मैं इस पंखे के सामने बैठकर पढ़ता हूँ तभी मेरी पढ़ाई हो पाती है। तो देखिए, उन्होंने अपने सीखने के परिस्थितियों को उस पंखे की गड़गड़ाहट के साथ जोड़ लिया था। जब वो पंखा गड़गड़ गड़गड़ नहीं बजता कहीं पर, तो वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता, उनका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता। तो ये एक ऐसा, वो उनका परिवेश जिसको वो पसंद करते हैं, सीखने के लिए अनुकूल पाते हैं। आपने देखा हो कई सारे लोग पढ़ते समय या ध्यान पढ़ते समय या कुछ सीखते समय हल्का म्यूजिक सुनते रहते हैं, उनको लगता है कि जब कोई हल्का से म्यूजिक बजता रहता है तो मेरी पढ़ाई इसमें अच्छे से होती है। कई लोगों को आपने देखा हो उनका कमरा बहुत व्यवस्थित साफ सुथरा और सुगंधित होता है, सुंदर होता है, तो वो परिस्थितियाँ उन बच्चों को या उन व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। तो परिवेश संबंधी प्राथमिकताएँ हमको ये बताती हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग तरह के परिवेश में सीखना पसंद करता है। तो ये हम बच्चे के साथ देख कर पहचाने की उन बच्चों को किस प्रकार का परिवेश पसंद है। तीसरी बात है समूहीकरण प्राथमिकताएं, यहाँ पर जो आशय है कि बच्चा क्या अकेले बैठ के पढ़ना सीखता है, किसी अपने एक दोस्त के साथ पढ़ना सीखना पसंद करता है, या अपने बड़ों के साथ मिलकर पढ़ना सीखना पसंद करता है, या बड़े तीन चार व्यक्तियों के समूह में पढ़ना पसंद करता है। हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद हो सकती है। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, साधन प्राथमिकताएं, परिवेश संबंधी प्राथमिकताएं और समूहीकरण प्राथमिकताएं। तो ये तीनों प्रकार की प्राथमिकताएं हैं जो बच्चे के पढ़ने के स्टाइल को निर्धारित करती हैं। इसकी मदद से हम समझ पाते हैं कि किस बच्चे की आवश्यकता कैसी है और उसे हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे क्या उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद जब हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो अगली जो बात आती है वो है कि हम सीखने के लिए कैसा वातावरण बनाएं, सीखने के लिए हम कैसे परिवेश का सृजन करें। तो यहाँ पर देखिए तीन चार अलग अलग क्षेत्र दिए हुए, परिवेश दिए हुए हैं, पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र, गुड़िया या नाटकीय प्रस्तुति क्षेत्र, खोजबीन क्षेत्र, लाख निर्माण क्षेत्र, गणित या हस्त कौशलयुक्त क्षेत्र, कला क्षेत्र, संगीत और गद्यात्मक क्षेत्र, ये कुछ उदाहरण हैं। ये बात करते कि हम अपनी कक्षा में या स्कूल में कुछ ऐसे स्थान बना सकें क्या जहाँ पर खुद से पढ़ने लिखने की का माहौल बने। तो वहाँ पर का नाम दिया कि एक ऐसा रीजन क्षेत्र है हमारे विद्यालय में जो जहाँ पर पुस्तकालय है, साक्षरता की चीज़ें हैं, पढ़ने की चीज़ें हैं।
कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर बच्चा चीजों के साथ नाटक कर सकता है, अभिनय कर सकता है। खोजबीन क्षेत्र जहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हों, विज्ञान की चीजें हों, जहाँ पर वो खुद से खोजबीन करे। तो ये अलग अलग प्रकार के क्षेत्र जो हम बना सकते हैं इस अध्ययन की, जो पत्रिका आपकी आपके पास जाएगी उस पर आप इसमें पढ़िएगा तो देखिएगा कि वो कहता है कि क्लास में कम से कम एक बार में 4 ऐसे क्षेत्र बनाए और हम देखेंगे बच्चे अपने पसंद के अनुसार अलग अलग क्षेत्र में जाकर काम कर सके। ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो किस प्रकार की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कैसी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, उसे नीचे बोर्ड अक्षरों में दिखाया गया है। कक्षा में परस्पर संवाद के अवसर पैदा होते हैं, साथियों के साथ परस्पर संवाद के अवसर पैदा होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। यहाँ पर चीज़ों के साथ बात करने की बात नहीं की जा रही है, चीज़ें यदि हैं तो उसका अभिनय किया जा सकता है। जैसे आप देखिए कि बनावटी फल सब्जियाँ, तो यहाँ पर बनावटी फल सब्जियाँ हैं तो वहाँ पर बच्चे दुकानदार और खरीदार का खेल खेल सकते हैं। अब आप देखिएगा कि एक बच्चे को आप दुकानदार या एक दो बच्चों को दुकानदार बना दें, कुछ को ग्राहक बना दें, तो आप देखिएगा गौर से जब उनकी बातों को सुनिएगा तो पता चलेगा कि कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें बच्चे करते हैं। वहाँ जब आप उन बच्चों को सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि उनकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता है कितनी अद्भुत है। उनने उन तमाम बातचीत को, तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व किया जो एक फल सब्जी बेचने वाले और ग्राहक के बीच में होती है। जब ऐसे मौके उनको वहाँ पर मिलेंगे तो आप देखिएगा उन चीज़ों के माध्यम से कितनी तरह की बातें करते हैं। इसमें यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के वस्तुएं या सामग्री के साथ परस्पर संवाद का अर्थ है कि जब हम उनको कुछ चीज़ों के साथ बातचीत करने के मौके देते हैं तो वो बहुत अच्छा अभिनय करते हैं और उसमें उन परिस्थितियों में जो बातें हो सकती हैं उन बातों को आपस में करते हैं। तीसरी चीज़ है बड़ों के साथ संवाद। ये जो संवाद के मौके हैं बड़ों के साथ के लिए है कि शिक्षक और अभिभावक के साथ परस्पर संवाद के द्वारा बच्चे पहले से सीखे गए कौशलों को पहचानने और उनसे कड़ी जोड़ने मदद करते हैं और इसके मदद से वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नया सीखते हैं। बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के तरीके, गतिविधि में सक्रिय भागीदारी और संलग्नता सुनिश्चित करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी शिक्षकों के लिए कि हमने कक्षा में गतिविधि तो कराई लेकिन आप देखते हैं कुछ बच्चे जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो तो शामिल होते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे शांत बैठे रहते हैं। ऐसा आपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जब ग्रुप एक्टिविटी होती तब भी आपने देखा होगा कि अगर 4-5 शिक्षकों का ग्रुप बना है तो उसमें 2-3 शिक्षक तो काफ़ी सारी बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी तरह से जोड़ते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते हैं, उनकी जो सहभागिता होती है कम होती है। तो ये एक शिक्षक रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब हम बच्चों के साथ इस तरह के क्रियाकलाप या गतिविधि से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रयास करें कि सब बच्चे की सक्रिय भागीदारी हो और सभी बच्चे बातचीत में अपने अनुभवों को सामने रखने में संलग्न हो। ज्ञान का समावेश और सामंजस्य, जो चीज़ें, जो नई बातें आ रही हैं वो किस तरह की हैं, उनके साथ बच्चे का सामंजस्य है कि नहीं, इसका भी ध्यान हमें रखने की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात है रटने के बजाय समझ को उद्देश्य बनाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किसी भी विषय में, वो चाहे गणित हो या भाषा हो या सामाजिक विज्ञान के विषय हो, विज्ञान हो। यहाँ पर कोशिश ये करें कि बच्चे चीज़ों को रटने से बचें और अपनी समझ विकसित करें, अपनी भाषा का विकास करें और जो उनकी समझ बनी उसको अपनी भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। चौथा बिंदु है सीखने में विविधता को संबोधित करना। सीखना एक रस न हो, उसमें बहुत सारी विविधताओं की गुंजाइश हो, इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। अगली जो बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मातृभाषा या परिवार में बोली जाने वाली भाषा। देखिए इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे बच्चे जिस परिवेश से आते हैं वहाँ की जो भाषा है वो हमारे स्कूल या कक्षा की भाषा से काफ़ी अलग होती है। तो एक नई भाषा में बच्चे को सीखना मुश्किल होता है, तो जहाँ तक संभव हो हम कक्षा में बच्चों की भाषा को भी शामिल करें और यदि वो अपनी भाषा में अपनी बात कहना चाहता है तो उसको उसकी आज़ादी हो। हम ये देखें कि वो अपनी समझ को किस में आसानी से व्यक्त कर सकता है। धीरे धीरे जो मानक भाषा है, जो स्कूल की भाषा है, वो उसमें विकसित होती जाएगी और एक समय ऐसे आएगा जब अपने विचार को स्कूल की भाषा में व्यक्त कर पाएगा। उसके बाद है विभिन्न आयु वर्ग वाले समूह का प्रबंधन। यहाँ पर खास बात यह है कि हमारी कक्षा में एक ही कक्षा में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर जो हम बच्चों का ग्रुप बनाते हैं वहाँ पर हम ये ध्यान रखें कि हर ग्रुप में हर आयु वर्ग के बच्चे शामिल हों। ऐसा ना सोचें कि एक एज के बच्चे एक साथ हों,
और छोटी उम्र के बच्चे एक साथ, बड़ी उम्र के बच्चे एक साथ, ऐसा समूहन एक अच्छा समूहन नहीं माना जाता। बेहतर होगा कि अलग अलग पसंद, अलग अलग रुचि और अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे एक साथ एक ग्रुप में हों। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों का उपयुक्त समावेशन सुनिश्चित करना। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ शारीरिक तकलीफें हैं, हाथ पैर में या आँख में या सुनने में या बोलने में, ऐसे बच्चों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इन बच्चों की परेशानियों को बहुत जल्दी समझकर उसे ठीक करने में उसकी मदद हम यदि बहुत पहले उनको उपलब्ध करा दें तो उसका सीखना बाधित नहीं होता, वो भी अन्य बच्चों की तरह बहुत आसानी से आगे सीखता चला जाता है। तो साथियों, ये कुछ कुछ खास बातें थी, ये बहुत संक्षेप में की गई चर्चा थी, लेकिन आप इस आर्टिकल को, ये जो सामग्री आपको दी गई है उसको गौर से पढ़ें, अधिक बार पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें आपकी कक्षा को, आपके बच्चों के सीखने को बहुत मदद पहुंचाएगी, आपके काम करने के तरीके में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाएगी। तो आप इसे पढ़िए, यदि आपको कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। साथियों, अभी आप लोगों ने कोर्स तीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और इस कोर्स तीन में मुख्यतः चार बिंदुओं पर बातें की गई है। पहला कि बच्चों को समझना और उसके सीखने के तरीके को जानना, जब जानने के बाद शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर बातें की गई है। सीखने के तरीके कैसे, क्या क्या होते हैं, इसको कैसे पहचाने, अर्थात सीखने की ज़रूरतों को पहचानना, इन बिंदुओं पर बातें हुई। फिर सीखने के लिए परिवेश निर्माण कैसे करेंगे, जब हमको पता चल गया कि बच्चे की क्या क्या ज़रूरत है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब जब हम लोग जान गए, तब हम एक शिक्षक के नाते हम ये कैसे उसको सीखने के लिए परिवेश बनाएं, क्या क्या चीज़ रखें, कैसे करें, ये इन बिंदुओं पर बातें किया गया। और बच्चे कैसे सीखते हैं, उसके सीखने का बढ़ावा देने के तरीके पर मुख्यतः बातें की गई है।